अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जोधपुर में हम लोग आज एंड हम लोग हैं आयशा गोट फार्म के, जो माल जो गोट से रेयर हो रहे हैं हम वो देख रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे भाई से जो टेक केयर कर रहे हैं यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं लोगों को। मेरा नाम उमेद खान। उमेद खान जी, यहाँ पर कितने बकरे हैं? यहाँ पे अभी 101 बकरे हैं। 101 बकरे हैं जी। ये सारे प्योर सोजत क्वालिटी में? प्योर सोजत क्वालिटी में। और ये सारे पंच कर दिए गए हैं अभी क्या करेंगे? नहीं, इसमें 20-25 अंडुल है, बाकी सब पंच कर दिए। अच्छा, 25 अंडुल है। इसमें गुलाबी बच्चे हैं जी। गुलाबी, एक से एक गुलाबी है। ये 7 महीने के हैं। ये है, सफेद आंख में है बच्चे इसमें, सफेद आंख में है। गुलाबी है, 80% गुलाबी है। एक वजन का रेंज अभी क्या है इनका? इसका वजन का अभी 30-35 किलो है। 30-35 किलो जी। वो तो इनको रखना नहीं रखना तो अल्लाह के हाथ में जी। पर फिर भी अगर ये सही सलामत रहे बकरा ईद तक जी, तो क्या वजन पकड़ लेंगे ये? 70 किलो। 70 किलो ऑन एवरेज हो जाएगा। 70 किलो एवरेज। और क्या बताएंगे माल किसका है? ये माल है आयशा गोट फार्म जी, भिवंडी। भिवंडी में हमने उनका वीडियो बनाया जी, बकरा ईद में जी जी। एंड माशाल्लाह उनका काफी अच्छा रिस्पांस मिला उनको जी जी। तो ये बकरे वो तैयार करते हैं साल भर जी। वो यहाँ पूरा तैयार करके रमजान के बाद वो भिवंडी पे जाएंगे और वहाँ फार्म से, आयशा गोट फार्म से ये सेल करेंगे। ठीक है। अगर जोधपुर में बकरे पालने का क्या फायदा है लोगों को? यहाँ की जो एक तो आबे हवा जी, यहाँ का पानी, और दूसरा यहाँ पे हरी पत्ती जौ ये सब बम्बई ले जाकर उसका डिलीवरी खर्चा आता है जी। यहाँ रखने से खर्चा कम आता है, यहाँ रखने में सेहत अच्छी कम आता है, सेहत अच्छी है, आबी हवा अच्छा है यहाँ। ओवरऑल 5-6 किलो का फर्क पड़ता है। हाँ, ओवरऑल 5-6 किलो का फर्क पड़ता है यहाँ पे। दूसरा प्रदूषण नहीं है, भीड़ भड़क नहीं है, आबी हवा एकदम खुला है यहाँ। अगर 70 किलो का बनेगा जी, बम्बई में पालेंगे तो 60 किलो का ही बने। बम्बई में 55-60 ही बनेगा। ठीक है, ये फर्क बताया भाई ने। बकरे देखते रहिए और बात करते रहते हैं इससे हम लोग। और ये सब 2 दांत के रहेंगे कुर्बानी तक। कुर्बानी तक 2 दांत, अभी तक एक भी दांत वाला नहीं है, सब अदंत हैं। हाँ, कुर्बानी तक 2 दांत रहेंगे। ये बाड़े में कितने बकरे हैं? ये बाड़े में अभी 101 बकरे। 101 जी। कोई रीजन है ऐसा 101 बकरे रखने का? 101 ऐसे हो गए, 100 बकरे का था तो एक ज्यादा हो गया। चलो अच्छा, जैसा हम लोग लिफाफे में 1 रुपया ऊपर रख के देते जी, हैं वैसे ही वैसे हम ये नेक है जी, है ना? ये नेक है, नेक हो गया। अल्लाह बरकत दे हमारे आयशा गोट फार्म को भी और आपको भी, आमीन, है ना? और दूसरे तरफ और कितने बकरे पल रहे हैं? अभी 25 गुजरी है और 30-40 सोजत बड़े हैं। वो बड़े हैं वो 100 किलो की पट्टी। तो मतलब आयशा गोट फार्म पे जी ये साल 2021 में जी कुर्बानी में अपने को 70 किलो से लेके 100+ बकरे मिलेंगे। 100+ बकरे मिलेंगे। ठीक है जी। और अभी कुछ भी फॉर सेल नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आयशा कुछ बेचने का है ही नहीं। आयशा गोट फार्म के ये बकरे हैं जी। और अगर मैं बाद में भी आया 2-3 महीने बाद जी, जी, इनका फिर वीडियो बनाएंगे तो ग्रोथ मालूम पड़ेगी लोगों को। हाँ सही बात है ना जी जी। लोगों को मालूम पड़ेगा कि बच्चे क्या थे जी जी, सेप्टेम्बर में दिसंबर में क्या हुए, बकरा ईद पे कैसे मिलेंगे जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आयशा गोट फार्म के नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भिवंडी में फार्म सिचुएटेड है एंड ये बकरे बिकने को नहीं है लेकिन उनके फार्म पे हमेशा बकरे रहते हैं, है ना? सोजत के सब बकरे होते हैं ये फार्म पे है, है। मैंने वीडियो बनाया भी था उनका जी जी। पूरा ट्रक माल आया था उनका। सो ये नस्ल अभी भी वहाँ पर मौजूद है जी। किसी को चाहिए तो उनसे कॉन्टेक्ट कर ले जी जी। ठीक है, अभी जाते हैं गुजरी देखेंगे। हाँ हाँ, गुजरी में चलते हैं। चलो गुजरी देखेंगे। अल्लाह हाफिज़ भाई। आयशा गोट फार्म के हमने सोजत बच्चे देखे, काफ़ी मज़ा आया। ये बच्चे भी उनके हैं राइट? ये गुजरी में हैं, ये भी सारे खस्सी रहेंगे? हाँ, ये भी सारे खस्सी रहेंगे। इनको पंच कर दिया गया है अभी? इनको पंच कर दिया गया है। हाइट माशाल्लाह सबकी हाइट एक से एक है। गुजरी हाइट काफी अच्छी ले रहे हैं? गुजरी अच्छी हाइट लेते हैं, सोजत से गुजरी हाइट में अच्छे रहते हैं। कितने बच्चे हैं अभी यहाँ पे? ये 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे जी। ये भी आप लोग खरीद सकते हो आयशा गोट फार्म से, अभी नहीं, बकरा ईद के वक्त। बकरा ईद के वक्त, रमजान ईद के बाद जी।
जो रुबाब आप देख रहे हैं अंडुल की वजह से बेसिकली, पर ये अभी पंच हो चुके हैं। ये बकरा चेक करें, वाह 41 हाइट है, पंच कर दिया इसको, पंच कर दिया अभी किया 15 दिन हुआ। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि बनाना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपका अंदाजा क्या बोलता है बकरा कहाँ तक जाएगा? ये 125-30 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरा बता दें, ये है तो ये भी गुजरी में, ये भी गुजरी में, वाह एक नंबर गुजरी, ओरिजिनल गुजरी है, इसकी आदत है और इसको पंच बना दिया, कर दिया पंच, पंच कर दिया। तो ये सारे बकरे आयशा गुड फार्म पे मिलेंगे आपको, सारे बकरे और भी है ना इसके बाद में, जो 100 किलो के टॉप, हाँ, हाँ, वो भी दिखा दें, हाँ वो भी है, चलिए आइए, ये है, ये एक देख के जाते हैं, ओरिजिनल गोजरी टॉप कलर, ठीक है चलिए आइए देखते हैं और भी बड़े बकरे, और भी है उधर वाइट बड़े बकरे। ये सब बकरे जोधपुर में पड़ रहे हैं अभी, आयशा गोट फार्म से कांटेक्ट करें आप लोग, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये सारे बकरे बड़े बकरे हैं, अगेन आयशा गोट फार्म के बकरे हैं, ये अंडुल है कि इनको पंच किया आपने? नहीं ये अभी पंच करना है, अदंत है, अदंत है, अदंत है, सफेद आंख में, हाँ सफेद आंख, वाइट खो, वाइट सींग, वाइट खोर, पूरा एकदम गुलाबी में। बरके भाई कैसी लगी क्वालिटी आपको? नहीं, मासे लग दिया है ना, अदंत है अभी, हाँ अदंत है, अदंत, वाह। तो ये बरके भाई प्योर सोजत में आएगा कैसे? प्योर सोजत में सोजत और हैदराबादी क्रॉस भी कैसे, माशाल्लाह। चाचा और बड़ा बकरा दिखाएं, ये अभी चार दांत कर रहा है, चार दांत कर रहा है, 90 केजी वेट, 90 केजी, 90 भी, ये आयशा गोट फार्म का ही माल है। बकरा इतना कितना हो सकता है? 125 तक होएगा, 125 इंशाल्लाह, अल्लाह इसको लंबी हयाती दे। बकरे चेक करें आप लोग, हाँ ये बताइए ना बकरे भाई, ये आगे दो ना, हाँ जी, और ये सब वहीं बिकेगा बकरीद में, माशाल्लाह।